हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्टेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। हमारे पास टू फ्रैक्शंस गिवन होंगे जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, लास्ट इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट फ्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ होल नंबर। होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया था, अब हम इसमें करेंगे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो वी हैव एन एग्जाम्पल सॉल्यूशन। देखिए आप, मल्टीप्लिकेशन करने टाइप मैंने आपको बताया था कि दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर की वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन। सो 4 2 8, सो 9/8 इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन एंड इट इज आंसर। सो अगर हम इसे फाइंड करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, सो 8 1 8 अपॉन में 8, देन क्वार्टेंट 8 1 8। इस प्रकार से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में फाइंड कर सकते हैं। सो सेकेंडली स्टूडेंट्स, वी हैव एनी अदर एग्जाम्पल। लेट 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू 4 2 8 एंड 5 3 15। ओके, ये हमारे पास नंबर्स गिवन है, इनमें हमें इसे फाइंड करना है लेस देन एंड ग्रेटर देन। ओके, कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा स्मॉल। सो फर्स्टली हमें इन्हें फाइंड करना है। सो हम इन्हें फाइंड करेंगे फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब इस प्रकार ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देन 2/3 मल्टीप्लीकेशन 4/5। फर्स्टली हम इनका लेंगे सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ कंपेयर करना है। अगर यहाँ प्लस की वैल्यू होती सो हम यहाँ पर लेते एलसीएम 15 15। सो 15 3 मल्टीप्लाई 15 3 15 15 हमारा एलसीएम है। सो 15 कब आएगा हमारे पास, जब 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। अगर हम डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 5 से, सो न्यूमरेटर में भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा 5 से। देन हियर 5 मल्टीप्लाई 3, देन न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई 3। ओके, बिकॉज डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 15 लाने के लिए, सो हमें न्यूमरेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा। देन 5 2 10/15, 4 3 12/15। ओके, अगर यहाँ पर हम प्लस का सिंबल ना ले या अगर हम ऐसे भी लें, सो हमें यहाँ पर कोई ना कोई ऑपरेशन लेना ही होगा। सो हमने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के स्थान पे हमने प्लस लिया। ओके, फाइंड करने के लिए कि हमें लेस देन एंड बिगर एंड स्मॉलर फाइंड करना है। ओके, कंपेयर करने के लिए। सो यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। सो 10/ अलग अलग हमें कंपेयर करना है इसीलिए। ओके, सो 10/15 अब हम नोट करेंगे 2/3 का मान है हमारे पास 10/15। ओके, एंड 8/15 एंड देन 4/5 की वैल्यू है 12/15, देन 8/15। ओके, अब 15 यहाँ डिनोमिनेटर में, सो हमारे पास वैल्यू में भी 15 डिनोमिनेटर में आ गया। देन अब हम अगर कंपेयर करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल हमें फाइंड करना है, सो हमारे लिए इजी हो गया। ओके, देन 15, अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यूज को हम कंपेयर करके यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो लुक एट हियर, 10/15 इज ग्रेटर देन 8/15 एज वेल एज 12/15 इज ग्रेटर देन 8, बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड 12 इज ग्रेटर देन 8। ओके स्टूडेंट्स, सो
तो आपको अगर कंपेयर लेस देन ग्रेटर देन ये सिंबल फाइंड करने बोलेगा, सो आप इतने पोर्शन को आप रफ में सॉल्व करेंगे, ओके, देन आप डायरेक्ट यही पोर्शन सॉल्व करेंगे 2/3। अगर हम यहाँ पर ये नहीं भी लिखेंगे सो डजेंट मैटर, ओके, हम डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू है उसी को लिखेंगे। आप देखिए 2/3 ग्रेटर देन 8/15 एज वेल एज इसमें भी, ओके। तो इस प्रकार क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना है, ओके। सो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज 2.3 ऑफ पेज नंबर 41 एंड 42, ओके। इसके आपको ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।